हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो नए व्लॉग में। और आगे के लिए मेरे साथ यूं ही बने रहिए। आपको अपने जो मैं करती रहूंगी अपने दिन भर में आपको बताती रहूंगी। दोस्तों, मैं किचन में हूँ और मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी छोलिया। तो आपको तो छोलिया आता ही होगा, पर मैं बताती हूँ आपको कि मैं किस तरीके से छोलिया बनाती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारी चीजें रेडी करके रखी हुई है। ये हमारे छोलिया हैं और ये मेरे पटैटो हैं जो मैंने कट कर लिए हैं, और ये है टमाटो प्यूरी। तो दोस्तों, मैं इसमें मतलब जो मैं छोलिया बनाऊंगी तो इसमें मैं अनियन और लहसुन का यूज़ नहीं करूंगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पंडित हैं तो यहाँ लहसुन और प्याज नहीं खाते। तो देखिए, यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन चुका है, अच्छा कलर भी आ चुका है। और मैं इसमें डालूंगी पटैटो, मैं इसमें डालूंगी नमक। दोस्तों अपने अकॉर्डिंग डाल लेना आप जितना आप खाते होंगे। धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च। तो यहाँ मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी पानी, क्योंकि अब ये पानी कम भी होगा। दोस्तों अपने हिसाब से आप पानी मिला सकते हो इसमें, मेरे को तो जितनी नीड है तो मैंने उतना पानी डाल दिया है। तो दोस्तों, तब तक मैं अपने और काम निपटा लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। पहले इसमें स्टीम उड़ने देते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगी मेरे छोले के हाल क्या हुए। तो चलिए, तब तक हम बाहर चलते हैं बैठने के लिए। तो मैंने सोचा तब तक हम धूप ही सेक ले थोड़ा सा, अभी तो लंच में बहुत टाइम है। कान्हा, तो ये देखो कान्हा क्या लेके आ रहा है। इधर दो, इधर दो, दो मम्मा को दो। ये देखो कान्हा को, जाओ रखो कान्हा, जाओ रखो, जाओ। छोटे बच्चों की जिंदगी बिल्कुल सही रहती है, अपना खेलते रहते हैं जैसा मर्जी। कान्हा, किसी की चिंता नहीं, किसी की परवाह नहीं, ये वाली लाइफ सबसे बेटर होती है, हमें कुछ पता ही नहीं होता है। चलो दोस्तों, हमारी छत पे चलते हैं। अब काफी देर तक धूप में बैठने से धूप भी बहुत लगती है। ये देखो जरा इन बच्चों को, देखो जरा ये पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ पे हमारी आंटी है। तो यहाँ पे आंटी ने इतने सारे कपड़े धोए, अब आंटी जी तय भी लगा रही हैं यहीं पे। ये देखो, हमारी आंटी वैसे बहुत काम की हैं, है ना आंटी? अब तो किसी काम की भी नहीं। आंटी कह रही है मैं किसी काम की नहीं रह गई अब। ये काम भी बहुत बड़ा होता है, नहीं तो सुबह से लगे रहो, बहुत मेहनती आंटी हमारी। दोस्तों, मैं इतनी एक्सपीरियंस्ड यूट्यूबर तो नहीं हूँ, पर मुझे जितना आता है मैंने उतना अपना 100% देने की कोशिश की है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों, हवा इतनी चल रही है कि देखो मेरे मैसी हेयर हो गए हैं सारे। दोस्तों, हवा तो बाहर चल रही है इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ। तो दोस्तों, हमारा लंच स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चपातियाँ, इसके बाद मैं सर्व करूंगी।
सब्जी पक चुकी है, देखो कितना कलर आ चुका है इस पे। अब हमारी सब्जी रेडी है। तो दोस्तों हमारा लंच तैयार है, अगर आपको भी खाना है तो आ जाइए। क्या कर रही है सोनी? कुछ नहीं, बैठी हूँ। यहाँ पे ठीक है ना, बालकनी में धूप भी आ रही है, अभी तो थोड़ी थोड़ी ठंड है ही, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ मंगाया था मीशो से, जो मुझे रिसीव हुआ अभी। होम डिलीवरी वाले भैया आए हुए थे, तो देखते हैं क्या है। आया हुआ था कुछ पार्सल मीशो से मंगवाया था, ये चॉपर है, चॉपर। तो देखते हैं ये चॉपर कैसा निकलता है। अब इसकी मैं अनबॉक्सिंग करूंगी, आराम से कर। तो देखो अब हमारा चॉपर कैसा निकलता है। दिखने में तो सही लग रहा है भी सही, अच्छा है। अब ये यूज करने के बाद ही पता चलेगा। गुड इवनिंग दोस्तों, अब बज चुके हैं शाम के 5:30 और मैंने टी भी बना ली है, तो मिष्टी तो टी पिएगी नहीं। तो दोस्तों मुझे कुछ और भी आपसे शेयर करना था कि जो मैंने मीशो से जो मैंने चॉपर मंगाया था, तो वो मैं जब यूज करूंगी तो मैं उसका रिव्यू भी आप लोगों को दूंगी उसके बाद, कि वो कैसा है, उसमें वेजिटेबल्स कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।